बांदा जनपद के बवेरू कस्बे में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार पुलिस क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में पुलिस फोर्स के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें यहां से निकलने वाले वाहनों तथा संदिग्ध लोगों की चेकिंग की गई। पूरा मामला बांदा जनपद के बवेरू कस्बे के मुख्य चौराहे का है, जिसमें पुलिस अधीक्षक अभिनंदन के कुशल निर्देशन पर आगामी विधानसभा चुनाव की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के क्रम पर पुलिस क्षेत्राधिकारी सियाराम के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ मुख्य चौराहे पर विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें टू व्हीलर व फोर व्हीलर गाड़ियों को खड़ा कराकर सघन चेकिंग की गई। वहीं चेकिंग के दौरान भारी संख्या पर पुलिस बल मौजूद रहा और पुलिस क्षेत्राधिकारी सियाराम के द्वारा बताया गया कि विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से शराब अवैध रुपए लेकर तो नहीं जा रहा। इसी के दृष्टिगत रखते हुए वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसमें फोर व्हीलर टू व्हीलर वाहनों को खड़ा करवा कर जाँच की जा रही है। बांदा यूपी से फैयाज खान की रिपोर्ट। जी सर, यहाँ पर चौराहे पर चेकिंग की जा रही वाहनों की किस प्रकार की चेकिंग है? ये विधानसभा चुनाव को देखते हुए चेकिंग कराई जा रही है कि कहीं कोई गाड़ी में अवैध शराब जैसे अवैध रूप से पैसे रुपए पैसे तो नहीं ले जा रहे हैं और आपराधिक डिस्कोर्स है, मतलब कोई कहीं कोई अपराध ना हो, कोई आचार संहिता उल्लंघन हो, इसलिए आज चेकिंग की जा रही है पूरे जिले में।